प्रदेश की दूसरी राजधानी व दूसरे नगर निगम धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में जल्द ही जल संकट गहरा सकता है। यहाँ भी शिमला की तर्ज पर पानी की सप्लाई समय समय पर दी जाती है। धर्मशाला के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस सकते हैं और यहाँ के लिए वाटर राइसिंग करनी पड़ सकती है। इस बार पहाड़ों पर बर्फबारी न होने के कारण जल संकट की स्थिति उत्पन्न होने की पूरी संभावना है, जिस कारण सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग धर्मशाला खासा चिंतित है। इस बारे में जानकारी देते हुए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिशांशी अभियंता विकास बख्शी ने बताया कि फिलहाल शहर और विधानसभा के लगभग 90,000 की जनसंख्या को प्रतिदिन 65 लाख लीटर पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। पानी के सोर्सेज से जितना पानी आ रहा है उतना सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग भविष्य के लिए पानी की स्टोरेज करने का प्रयास कर रहा है ताकि जल का संकट सामने न आए। उन्होंने कहा कि अगर 2-3 माह के भीतर बारिश या बर्फबारी नहीं होती तो संभवतः जल संकट यहाँ की जनता को झेलना पड़ सकता है। धर्मशाला पर्यटन की दृष्टि से भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हर रोज हजारों पर्यटक आते हैं, जिस कारण पानी की खपत अधिक हो रही है, जिस कारण भविष्य में पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ सकता है। अभी तो फिलहाल हम जो जितनी रिक्वायरमेंट है धर्मशाला टाउन की लगभग 66 लाख 40 हजार लीटर पर डे की रिक्वायरमेंट है, तो उतना अवेलेबल जो डिस्चार्ज या सोर्सेज भी अवेलेबल है उस सप्लाई अभी उसी हिसाब से दे रहे हैं और सारा जितना जो जितनी रिक्वायरमेंट है इसकी उससे हम ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। कई बार थोड़ी सी ये दिक्कत पड़ रही है कि ड्राई स्पेल जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, ऊपर जो सोर्स है वो स्नोबाउंड सोर्स है, हमारे सारा कैचमेंट जो है वो स्नो एरिया में है और जो सोर्सेज हैं उसको पानी जो है थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है कि बारिश भी कम हो रही है, दूसरा जो बर्फ कम गिरी है तो उसका जो कलेक्शन ऑफ वाटर है वो कम हो रहा है। अभी फिलहाल तो जो सप्लाई है वो ठीक चल रही है, लोगों की जो जितनी डिमांड है उसी हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन अगर ये ड्राई स्पेल जो है वो कंटिन्यू रहता है तो हो सकता है कि 10-15-20 दिन के बाद थोड़ी सी चिंता की बात होगी, तो हो सकता है उसमें हमें थोड़ा सा जो जितनी आवर्स हम सप्लाई अभी प्रेजेंटली दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम इसको शायद थोड़ा सा वाटर राशनिंग करनी पड़े। चलो अभी तो इट इज टू अर्ली टू कमेंट, लेकिन हो सकता है कि सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाए। मौजूदा समय में सर जो वाटर रिसोर्सेज है उसमें स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है? स्टोरेज कैपेसिटी हमारी ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है। थोड़ा सा ये ड्राई स्पेल करके अब जो जितना पानी पीछे से आ रहा है उतना सप्लाई कर रहे हैं हम, लेकिन जैसे कोई बारिश वगैरह हो जाती है फिर हमें दिक्कत नहीं रहेगी, तो बाकी तो स्टोरेज कैपेसिटी तो हमारी ठीक है, जो जितनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से ठीक है जी। सर आपने कहा कि एक साल पहले एक नई परियोजना जी जी प्रारंभ हुआ, उससे क्या लाभ मिला? एक नई परियोजना की हमने यहां से मंजूरी हुई थी, उसका काम लास्ट ईयर खत्म हो गया था। नई परियोजना से हम पानी दे रहे हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि जो पुरानी लाइनें थी उससे जो कनेक्शन थे वो नई लाइनों में शिफ्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही है कि जब तक वो पूरा प्रॉपर पुरानी लाइनों से कनेक्शन हटा के नई में नहीं किए जाते तब तक थोड़ी सी पब्लिक को इसमें असुविधा रहेगी, तो हमारी लोगों से ये अपील है कि वो थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करें और ये जल्द से जल्द उनसे ये अपील करते हैं कि जो जिनकी पुरानी लाइनों से कनेक्शन है वो जो है डिपार्टमेंट से पास अप्रोच करके फटाफट वो दूसरी जो नई लाइनों से कनेक्शन ले ताकि उसको सब लोगों को नई जो परियोजना बनी है उसका लाभ मिल सके। जी सर, अभी आपने यहाँ ज्वाइन किया सर, टुल्लू